हम अक्सर ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो काफ़ी मशहूर तो होती है लेकिन डरावनी भी होती है। इन जगहों पर जाने से पहले हर किसी को थोड़ा डरना लाजमी है। कई जगह ऐसी है जहां लोग दिन के समय तो चले जाते हैं लेकिन शाम होने के बाद नहीं जाते। भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ का किला डरावना होने के चलते दुनिया भर में मशहूर है। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ की रानी बेहद खूबसूरत थी। एक तांत्रिक को उनसे प्यार हो गया और उसने तंत्र विद्या से रानी को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद तांत्रिक को मौत की सजा सुनाई गई। मरने के समय तांत्रिक ने भानगढ़ किले को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी नहीं रह पाएगा। तब से यहाँ कोई भी आत्मा शांति से नहीं रह पाई। धनुषकोडी। तमिलनाडु के धनुषकोडी से भगवान राम का गहरा संबंध है। वहीं दूसरी ओर यहाँ प्रेत आत्माओं को भी महसूस किए जाने के दावे किए गए हैं। इन दावों के पीछे का कारण है, साल 1964 में यहाँ आए चक्रवात ने धनुषकोडी की खूबसूरती को मातम में बदल दिया। 100 लोग चक्रवात की चपेट में आ गए जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि आपदा में जिन लोगों की जान गई उनकी आत्मा अभी भी यहाँ पर निवास करती है। रूपकुंड झील। उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसी यह झील देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी डरावनी भी है। रूपकुंड के नाम से प्रसिद्ध इस झील में आपको तैरते हुए कंकालों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। इस झील को लेकर अनेक कहानियां हैं। कहते हैं यहां जाने वाले कभी वापस लौट के नहीं आते। कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि वो पूर्वी भूमध्य सागरी लोगों के कंकाल हैं जिन्होंने 220 साल पहले हिमालय की यात्रा की थी, और कंकालों पर कुछ डीएनए परीक्षणों से पता चला है कि वे लोग के विभिन्न समूहों से संबंधित हैं। दिल्ली कैंट। देश की राजधानी दिल्ली में भूतों की कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली कैंट के पास का इलाका डरावना है। लोगों का मानना है यहाँ एक महिला का भूत रहता है जो कई बार सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखाई दे चुकी है। ऐसी कहानियाँ हैं कि इस महिला का भूत रास्ते में जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। शनिवारवाड़ा किला। पुणे महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवारवाड़ा किले की दीवारों में बहुत सी कहानियां छिपी हुई हैं। यहां सैकड़ों साल पहले जो कुछ हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। यहां शाही सिंहासन के उत्तराधिकारी एक राजकुमार की उसके करीबी रिश्तेदार के आदेश पर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ऐसा माना जाता है कि उसके चीखने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है।